तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना सको, तू ठाकुर ऊच भगवन, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो रखनहार दयाला, नानक करके गुरले, राखो रखनहार दयाला, नानक करके गुरले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते, कृपा करे प्यारिया। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चै सवारिया। कह नानक एह आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्वसांझी वालता दे रहिबर, नाम के जहाज हल्त पल्त दे रखक, लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों, आप जी विडपागे को अमृतमयी बाणी का रस पिना कीर्तन, गुरु के कीर्तनिया सिंघा पासों बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। उपरंत पिछले कुछ दिनों तो असी शाम दे दीवान दे अंदर सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी की रचित बाणी आनंद साहब की लड़ी बार विचार कर रहे हाँ, जिस संबंध में अगली पौड़ी की विचार नाल सांझ पाउण तों पहलां आप सब माई भाई मना गुरु चरणों के एकाग्रत करो, बड़े ही प्यार अदब सहित रसपनी आवाज विच उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पिछले कुछ दिनों तो असी आनंद शब्द की विचार कर रहे हाँ, आनंद है कि उस आनंद की विचार की लड़ी के तहत गुरु अमरदास पातशाह जी ने एक होर आनंद की विचार को बधाया। सतगुरु पातशाह गुरु अमरदास साहब जी के बचन के हर मनुख जेड़ा है एक दूसरे को मिलदिया ये गल आखद, मैं फलां चीज मिली आनंद आ गया, फलानी चीज मिली आनंद आ गया, किसी का ब्याह होया तां कह दिता आनंद आ गया, किसी नूं नौकरी मिल गई उन्हें कह दिता आनंद आ गया, किसी के घर औलाद हो गई उन्हें कह दिता आनंद आ गया, किसी की कोठी बन गई उन्हें कह दिता आनंद आ गया। की यह आनंद है? इस नूं असीं आनंद आखदे हां कि दुनिया के सुख मिल जाण ते आनंद है,
फिर इस हिसाब के नाल ते भाई लालू की जिंदगी च कभी भी आनंद नहीं आया होना, क्योंकि उन्होंने जिंदगी ना कोठी है ना फैक्ट्री है ना दुनिया के सुख साधन ने। पहले दिन गुरु नानक पातशाह पहली उदासी वेले सब तो पहले भाई लालू के घर पहुंचे, उदो झोंपड़ी में पहुंचे, साडा इतिहास गवाह है। और पहली उदासी 12.5 साल बाद वापस आए, दूसरी उदासी, फिर तीसरी उदासी, तीसरी उदासी के अखीर ते फिर भाई लालू के घर गए कई सालों बाद। इतिहास ने कितने नहीं लिखा कि उस समय भाई लालू के महल खड़े हुए सन, नहीं उदो भी झोंपड़ी सी, पर हाँ भाई लालू की जिंदगी में आनंद जरूर सी। आनंद का संबंध पदार्थों के नाल नहीं है, और इहदी एग्जाम्पल जिहड़ी है असी लोग हाँ। कदी कोई परिवार इंडिया रहिंदा है, हिंदुस्तान की धरती गरीब है, वो आखदा है भी मेरे को खाण लई रजमा भोजन होवे फिर मैं सुखी होवांगा, पहनण लई वधिया वस्त्र होण मैं सुखी होवांगा, रहण लई घर होवे, सोहणी गड्डी मेरे कोल होवे मैं सुखी हो जावांगा, क्योंकि गरीब हाँ। ओही परिवार कैनेडा की धरती ते पहुंच गया, इत्थे खाण लई वधिया भोजन मिल गया, पहनण लई वधिया वस्त्र मिल गए, रहण लई सोहणा घर मिल गया, वधिया नवीं गड्डी भी मिल गई, बैंक बैलेंस भी हो गया, पर जो ओहदी जिंदगी वल भी देखदे आनंद फिर नहीं आया। वह लोग जिहड़े हिंदुस्तान की धरती ते बैठे आखदे सन गरीब आ तां दुखी आ, चार पैसे होणगे सुख होणगे सुखी हो जावांगे, इस धरती ते ते सब कुछ सुख ने, सब कुछ खाण पीण दे दाखां दी कमी नहीं, पर मनुख फिर भी बहुत दुखी है। घर घर जाके देखो दुख कलेश दे नाल भरिया पिया है जीवन। इहदा मतलब पदार्थ दे मिलण दे नाल भी आनंद नहीं मिलिया। आनंद आनंद सब कुछ है, आनंद गुरु ते जाणिया। हर कोई कह दिंदा है कि मेनू जिंदगी च आनंद मिल गया, मेरे घर औलाद हो गई आनंद आ गया, घर मिल गया, नौकरी पक्की हो गई आनंद आ गया। सतगुरु कहणगे नहीं, आनंद ते गुरु राही ही जाणिया जांदा है। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਘਾਹੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਤਾਬੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਨੰਦ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਐਸਾ ਹੈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਾ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਕ ਕੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਮੈਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਕ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ।
तिनका शब्द सच्चा सवारिया। जिदे अंदरों मोह टुट गया, खत्म हो गया, सच्चे शब्द ने उहदी जिंदगी नूं सवार दिता। सच्चे शब्द ने ऐसा जीवन सवारिया, उहदा मोह कर दिता, क्योंकि दुख दा मूल कारण मोह है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी नौकरी, मेरी कुर्सी, बस मोह दा कारण एक मोह है। गुरु ज्ञान दे के आखदा है, सब मैं जोत, जोत है सोई। तू सारे च बैठे हुए रब नूं देख, तेरी मैं मेरी छुट जाए, तेरी हौं खत्म हो जाए। जिस दिन सारे च बैठे हुए रब नूं देख लेगा, उस दिन तेरी जिंदगी च आनंद आना शुरू हो जाएगा। गुरु मोह कट के प्रेम नूं प्रगट कर दिंदे। मोह हुंदा है अपने पुत्र नाल, प्रेम हुंदा है गवांढी दे बच्चे नाल भी, बेगाने नाल भी। मोह हुंदा है सिर्फ अपने घर दे नाल, प्रेम हुंदा है सारे संसार दी दुनिया दे घरां दे नाल। मोह हुंदा है सिर्फ अपनियां नाल, प्रेम हुंदा है पूरे जगत दे नाल। आत्म सारी दुनिया नाल जुड़दे आ, सारी दुनिया च रब देख रहे। जिहड़ा सिमरन है ना 24 आवर, स्वास स्वास, जिहनूं असीं कहिंदे आ सास सास सिमरो गोबिंद, हरेक स्वास सिमरन। हुण हरेक स्वास किवें जपिया जाएगा? हरेक स्वास ते भोजन भी छकने, काम कार भी करने, जिन्हां लोगों का प्रोफेशन ही बोलना है वह किवें करनगे? रात को सोना भी है तो गुरु साहब आखते हैं स्वास स्वास। सिमरन का अर्थ जिहड़ा हुंदा है समरण, समरण मैंने याद। जो दिन रात 24 घंटे रब की याद पैदा हो गई जीवन के, रबी याद बन गई, यह सिमरन है। तो इसे सिमरन ने आनंद दे देना। असी अरदास अक्सर ये बचन पढ़ते हैं कि प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वाहिगुरु, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, तीन बार वाहिगुरु। तीन बार वाहिगुरु का कारण की है? तीन बार वाहिगुरु का कारण यह भी तू तीन तरीके नाल वाहिगुरु चेते रखी, फिर आनंद आना है, फिर सुख पैदा होना है। तीन तरीके नाल वाहिगुरु, असीं तीन तरीकों के नाल सिमरन किया, धन का, जमीन जायदाद का, धियां पुत्रां का, अंतकाल जो स्त्री सिमरै, स्त्री का भी सिमरन हो रहा है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, माया का सिमरन। हुण जबान तो कोई माया माया कह नहीं रहा, सिमरन कर रहे, पर अंतकाल जो लड़का सिमरै, बच्चों का सिमरन कर रहे। मनमुख की करता है? ठाकुर छोड़ दासी को सिमरै, और रब नूं छड़ के माया नूं सिमर रहे। हुण जबान तो माया माया नहीं कर रहा, पर हाँ माया नूं याद कर रहा। सिमरन का अर्थ रेपिटेशन नहीं है, रिमेंबरेंस है। इस सिमरन तो बनिया याद है, दोहराव नहीं है। ते मन करके, कर्मा करके, बचना करके सिमरन करी वाहिगुरु का। वाहिगुरु मन करके याद आवे, कर्मा करके बचना करे। मन बच कर्म जे तुद अरादे, सिसबे फल पावे। मन बच कर्म प्रभ अपना ध्याई, नानक दास तेरी शरणाई। मन बच कर्म गोविंद आधार, ताते छुट्टियो बिक संसार। मन करके, कर्मा करके, बचना करके तू वाहिगुरु सिमर रही, फिर जिंदगी च आनंद आएगा। हुण मन बचन कर्म करके सिमरन किवें हो सकता है? पहला ते बचना करके सिमरन किवें होएगा? बचना करके सिमरन, उदाहरण वजो जनरल एक उदाहरण है। मान लो कोई लंगर दे विच सेवा कर रहा है, वो जबान तो यह कह रहा है दाला वाहिगुरु, प्रशादा वाहिगुरु, सब्जी वाहिगुरु, जल वाहिगुरु। बंदा सोचता है कि वाहिगुरु च इन्ना एक मिक है, इहदे पानी नाल भी वाहिगुरु कही जाता है, इतने प्रशादे नाल भी वाहिगुरु कही जाता है, चाह नाल भी वाहिगुरु कही जाता है। किन्ना वाहिगुरु विच इक मिक है, इहदे वचन इहदे बोल वाहिगुरु विच इक मिक ने। उही मनुख बाहर असीं देखिया सड़क ते, बाहर सड़क ते उहनूं पुछ बैठे, भाई साहब जी रस्ता किधर नूं जांदा है? ते कहर भरी बोली बोलिया, अन्ना आया एडा वड्डा बोर्ड नहीं तैनूं नजर आ रहा? उहदा वाहिगुरु बचना करके गवाच गया। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਆਖਦੇ ਅੰਨਾ ਆਇਆ ਬੋੜ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ। ਹਾਂ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ,
कि इहदे विच वाहिगुरू बैठे सब मैं जोत जोत है सोए सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई उन्हें याद आ जाता इहदे विच मेरा वाहिगुरू बैठे इहनूं कहनूं कौड़ा बोलना है कि उन्हें मिठा बोलना जदों बोलन लग्या वाहिगुरू याद आ जाए उदों हुंदे बचना करके सिमरना बचना करके वाहिगुरू कहना देखी बोलन लग्या वाहिगुरू याद कर लई इहदे विच वाहिगुरू बैठे इन्हों ओ बोल ना बोलना मेरे वाहिगुरु नूं ठेस पहुंच जाए एक फिक्का ना गलाए एक भी फिक्का बोल ना बोली सब ना मैं सच्चा धनी है आओ ना कह हिठा दे मानक सब अमोल वे हर हृदय च वाहिगुरु विराजमान है मैं ओ बोल ना बोलना मेरे वाहिगुरु नूं ठेस पहुंच जाए बचना करके वाहिगुरु इस तरह हुंदे जदों जवान बोलन लगे रब चेते आ जाए इहदे च वाहिगुरु बैठा है इहनूं बुरा नहीं बोलना कर्मा करके वाहिगुरू का सिमरन किवें होएगा कर्म आखदे ने कम्मां नूं हुण ओह मनुख जिहड़ा लंगर दे विच सेवा कर रहे है दाला वाहिगुरू प्रसादा वाहिगुरू सब्जी वाहिगुरू किसे नूं पता चलिया कि गुरुद्वारा जिहड़ा ना गुरुद्वारे जाया रब मिलदा है क्योंकि आम लोगों की सोच है कि गुरुद्वारे तो रब प्राप्त हुंदा है ओह मनुख अज पहली बार गुरुद्वारे आया लंगर हाल चला गया ते सिर सी नंगा उहदा नंगे सरी लंगर हाल चला गया ते जिहड़ा कड़छी लैके सब्जी वरता रहा दाला वाहिगुरू सब्जी वाहिगुरू उन्हें देखा भी नंगे सिर आ रहा है उस वक्त ही कड़छी फड़ के मारन वास्ते दौड़िया अन्ना होया नंगे सिर आ गया पता नहीं सिर ढक के वह मनुख जिहड़ा गुरुद्वारे आया दौड़ के बाहर भज्जिया हुण घर जाके ते कहेगा ना कि लोग ते आखदे ने गुरुद्वारे जाके रब मिलदा है पर उत्थे ते शैतान रहिंदे ने उह ते मैनूं मारन दौड़े सन कड़छी लैके मेरे दुआले हो गए की होया जवान तो वाहिगुरू दाला कहिंदा है पर कर्मा चो वाहिगुरू खत्म हो गया कर्म की सी कड़छी फड़ के किसी नूं मारन वास्ते दौड़िया कर्मा चो वाहिगुरू उदों आएगा जदों नंगे सिर कोई लंगर हाल आई गया ते बाल्टी रख के नेड़े जाके आखदा भाई साहब लगदा है पहली बार तुसीं गुरुद्वारे आए हो तुहानूं गुरु नानक दे घर दी मर्यादा दा नहीं पता कोई गल नहीं मैं कपड़ा देना इन्हों अपने सिर से बंध लो मैं थोड़े सिर से बंध देना आओ पंगत च बैठो मैं थाल लेके आना तो लंगर छकाना उन्हों लंगर छका के फिर मुड़ आखदा पहली बार आए हो मैं थोड़ा थाल चुक के रख देना जिथे रखना है तुहानूं पता नहीं होएगा थोड़े भांडे मैं मांज देना यह है बचना च वाहिगुरू आ जाना यह है कर्मा च वाहिगुरू आ जाना ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਖਜਾਨਚੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਰਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ ਕਿਉਂ ਕੱਟਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਖੜਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬੜੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਪ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਕੌੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੱਥੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਡੱਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ
जो इनी गल कही ना तो मन सड़ पर कुल्ले हो गया है कख ना रहे मैं पुरानी गड्डी खिंची फिर नवी भी चुक लिया ने जबान कह रही है जी बधाई हो जी थानू तो मन तड़प गया मन की सोच इनी नीवी गिर गई मन ने कह दिता है कख ना रहे गुआढ़ी ने कहा मैं नवा घर लिया है चार बैडरूम कर लिया है तो यह मन मच गया है मैं तीन बैडरूम वाले घर च खड़ीसदा फिर अपनी जिंदगी मैंने चार बैडरूम कर लिया यह पहला घर क्यों निडिया की होया मन करके वाहगुरु भुल गया सोच नीवी हो गई हाँ मन करके वाहगुरु का सिमरन उदो होना सी जो मन किसी को बुरा बोलन लगे एको दम मन याद आ जाए वह मना ये रब बैठा है रब बारे कदों बुरा सोचना जो मन किसी बारे बुरा सोचन लगे मन च बुरा विचार आने लगे उदो वाहगुरु याद आ जाए ये रब बैठा है सोच वधिया हो जाएगी ते जिस मनुख की सोच विचार वधिया होणगे विचारां चों ही करम जन्म लैंदे ने जिहो जी सोच उहो जी करम सोच विच वाहगुरु वस जाएगा उहदे करमां च वी वाहगुरु आ जाएगा करम रब वर्गे हो जाणगे उहदे बोलां च वी वाहगुरु आ जाएगा हुण जिहदे मन विच वी वाहगुरु दी याद जबान तो बोलन लग्या भी जिहनूं रब याद रहिंदा है हत्थी करम करन लग्या भी जिहनूं रब याद रहिंदा है उह कल्ला आप ही सुखी नहीं होएगा उहदे मन वचन करम करके कीते हुए वाहगुरु नूं याद दे नाल दूजिआं नूं भी सुख मिल जाएगा इस करके धर्मी बंदा कदी स्वार्थी नहीं हुंदा ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੀ ਖੜਾ ਲਵਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫੈਲਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚੇਗੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਚ ਸਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਵਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣਿਆ ਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਸਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ